टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी चिटफंड मामले में लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा मचा रखा है। मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जगह जगह कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कार तक पर हमला कर दिया गया। रोज वैली चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई ने गिरफ्तार क्या किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आसमान को सिर पर उठा लिया। बांकुरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी को टीएमसी मोदी सरकार की साजिश बता रही है। We can't reveal our plans beforehand to the media. But how do you term this arrest? You are a veteran politician. He's a political vendetta. विरोध की चिंगारी कोलकाता में भी भड़की। यहां निशाना बनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा की कार। प्रदर्शनकारियों ने कार के शीशे तोड़ दिए। हुगली जिले की पूर्व बीजेपी अध्यक्ष कृष्णा भट्टाचार्य भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के गुस्से की शिकार हुई। आरोप है कि रात 9:30 बजे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटकर जख्मी कर दिया। रोज वैली चिटफंड घोटाले में मंगलवार को सुबह 11 बजे सुदीप बंदोपाध्याय सीबीआई के समक्ष पेश हुए थे। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर बवाल काटने लगे। ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी के हंगामे की है। हालात को संभालने के लिए बीजेपी दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। टीएमसी के हंगामे की वजह से काफी देर तक कोलकाता की सड़कों पर ट्रैफिक थमा रहा। टीएमसी के सांसद इस मुद्दे पर आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। We are all together. We will not back off fighting this Modi government and Amit Shah because we will carry on opposing notebandi. Nothing can stop us from doing that. Amra Dilli te dhorna te boshbo. Dilli amader parliamentary party office. This is not the end. We will fight this to the finish. बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सांसद हैं जिन्हें एक हफ्ते के भीतर रोज वैली घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले अभिनेता से नेता बने तापस पाल को गिरफ्तार किया गया था। सुदीप को पूछताछ के लिए भुवनेश्वर ले जाया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।